छठ मिली ओए रे छठ मिली ए मिली रानी कट्टी कट्टी करने आती तो ठम पिए दबो उधर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो स्वागत करते हैं डी आराधना की दुनिया में। तो मेरी दुनिया में देखिए, मेरी चिकू रानी से मिल लीजिए और मेरी ये मिली रानी से मिल लीजिए और मेरी दोनों जो है ये इसको हम बेटी मानते हैं, तो वो उसकी बेटी हो गई मेरी नातिन। तो मेरी नातिन से मिल लीजिए, देखिए। और माँ है जो अपने अभी तक हमको छूने नहीं देती है, बच्चे के पास जाने नहीं देती है। तो खैर माँ माँ है, खैर हम अपने बच्चे से भी बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचाना चाहेगा तो वही है, वो डरी हुई रहती है। पटना में रह रहे हैं, पहली बार चावल बना रहे हैं आज, क्या बोलता है, पतीले में। पतीला भी नहीं है, दिखाते हैं क्या है। लेकिन मतलब अब यहाँ पटना में जब से रह रहे थे कभी नहीं बनाए थे। तो आज माड़ का कुछ काम है, जैसे उसका जो निकलता है ना उसका कुछ काम है, तो इसलिए इसमें बना रहे हैं। तो देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद बना रहे हैं। देखिए इसमें बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास पतीला है नहीं और बड़ा, तो इसी में बना ले रहे हैं। और पता नहीं ये गाढ़ा चाहिए लेकिन पतला वाला निकल जा रहा है, तो हो जाएगा खैर काम। कौन कौन पतीले में चावल बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज कुछ हम ये माड़ का कुछ बनाएंगे, उसका कुछ खास बनाने वाले हैं, वो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, खा रहे हैं। या देखिए 2 kg दूध का जो मलाई निकलता है ना, उसको हम गर्म किए हैं। तो देखिए कैसे, सिर्फ गर्म किए हैं, नीचे में दूध ही है, और देखिए कैसे ऊपर में मतलब घी छहला गया है, घी निकल गया है। अभी चावल तो हुआ नहीं है, और तो देखिए 2 kg दूध का ऊपर से चम्मच से घी निकाल लेंगे कुछ, और उसके बाद दही जमाएंगे इसका। हमारे पास 4 है जो यूज किया हुआ फॉल है, साड़ी फॉल है, इसको हम रीयूज कैसे करेंगे वो आज हम दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए इसको दिखाते हैं क्या करते हैं अभी हम। तो देखिए माड़ पस गया है, माड़ निकाल लिए हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक दो महीने साड़ी पहनते हैं, और जैसे 10-15 बार साड़ी पहनते हैं तो उसका फॉल जो होता है वो सही ही रहता है, लेकिन साड़ी नहीं पहन पाते हैं, तो उसको यूज भी दोबारा कर सकते हैं। और हम बहुत बार यूज करते हैं, क्योंकि होता है कि चलो 30-40 रुपया जो बर्बाद हो रहा है वो दोबारा बर्बाद नहीं होता है। तो इसमें डाल दिए हैं, ये माड़ है, और इससे थोड़ा सा क्या होगा कि कड़ा हो जाएगा कपड़ा, मुलायम जो हो जाता है कॉटन का, वो तो मुलायम हो जाता है पता ही है फींचने से, तो वो थोड़ा सा इसमें कड़ापन आ जाएगा। उसके बाद इसको सुखाकर 5 मिनट छोड़ देते हैं, 5 मिनट के बाद इसको निकाल के और उसके बाद सुखाकर उसके बाद आयरन करके उसके बाद लगाएंगे इसको। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारा चीज़ दिखाएंगे हम आपको आज। देखिए दोपहर का समय हो रहा है, सब सो रही है, और यह छोटी वाली और फॉल सूख गया है। मेरा आयरन खराब होने के कारण आयरन कर नहीं पाए, फॉल सूख गया है, तो सोचे साड़ी में लगा लेते हैं। एक साड़ी में हम लगा लिए हैं, और ये क्रीम कलर का इसमें ये लगा लिए हैं। 1 घंटा लग जाता है एक फॉल लगाने में, और 2 अभी बचा हुआ है, तो एक तो मैच कर जा रहा है ब्लू कलर का, और पिंक वाला है जो बच जाएगा, कभी बाद में मैच करेगा कोई साड़ी में तो लगाएंगे। और इसमें रेड कलर का मैच हो रहा है, तो इसमें रेड कलर का मैच हो रहा है तो रेड कलर का लगा रहे हैं। इसमें अभी लगा नहीं है, एक तरफ सिलाई कर दी है और एक तरफ ये पिन लगा के टांगे हुए हैं, उसके बाद सिल लेंगे। और तो आप लोग भी इस तरीके से मतलब रीयूज फॉल को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इससे 10-20 रुपया से क्या होने वाला, लेकिन 10-20 रुपया से भी बहुत सारा चीज़ होता है। मेन बात है क्या होता है कि 10-12 बार 15 बार पहनते हैं साड़ी, और महंगा साड़ी हम इसलिए नहीं खरीदते कि ज़्यादा तो हम पहनते नहीं है साड़ी, और उसके बाद 10-12 बार पहनने के बाद खुद लगता है कि साड़ी को क्या पहने, मतलब पुराना मतलब लगने लगता है कि नहीं अपने ही पहनना, तो फॉल बचा हुआ ही रह जाता है, ऐसे भी फॉल फेंक ही देंगे। तो इससे अच्छा होता है कि उसको अच्छे से उघाड़ कर, और उसके बाद एक फॉल 2 बार रीयूज हो गया,
एक तो पहले न्यू लाए, उसके बाद लगाए, उसके बाद फिर दूसरा में लगाया, तो दो बार हो गया। तो होता है, और बड़े लोगों के लिए नहीं, लेकिन हमारे छोटे लोगों के लिए 10-20 रुपया भी मायने रखता है। तो कैसा लगा मेरा आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।